दोस्तों, भले ही भारत और चीन की सेना के बीच हाल ही में कोई झड़प देखने को नहीं मिली, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह का तनाव 2020 के बाद से दोनों देशों की सीमाओं पर शुरू हुआ, उसकी धमक आज भी दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में महसूस की जा सकती है, जिसके तहत जहां एक तरफ चीन लगातार भारत से सटी सीमा पर अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत भी अपनी सैन्य शक्ति का लगातार विकास करने में लगा है, ताकि वह चीन से सटी सीमा के पास एडवांटेज हासिल कर सके। और ऐसा करने के लिए भारत ने काफी सारे कदम उठाए, जिसके तहत सबसे बड़ा पहला कदम तो भारत ने यही उठाया कि पिछले 75 सालों से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो विकास नहीं हुआ था, उसे भारत से मात्र कुछ ही सालों में कर दिखाया और कई हजार करोड़ रुपए के बजट के साथ चीन से सटी सीमा के पास ना सिर्फ रोड नेटवर्क को मजबूत किया गया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया गया कि जरूरत पड़ने पर फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचने के लिए भारत के पास एक से ज्यादा विकल्प मौजूद हो, जो चीन भारत विवाद के बीच भारत की दूरदर्शिता को दिखाता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ भारत ने चीन से सटी सीमा के पास एडवांटेज हासिल करने के लिए एक ऐसे सिस्टम की तैनाती कर दी, जिसके बारे में ना सिर्फ चीन बात कर रहा है, बल्कि पश्चिमी दुनिया में भी भारत के इस कदम की काफी चर्चा है। तो दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा विस्तार में इसके बारे में बताते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसे भारत ने अब से कुछ समय पहले ही चीन से सटी सीमा पर तैनात किया था। भारत की इस तैनाती ने चीन के कान खड़े कर दिए, क्योंकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत की किसी दूसरे सिस्टम के मुकाबले काफी यूनिक फैसिलिटी प्रदान करता है। और अब अपने इसी एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने के लिए भारत ने इजराइल के साथ मिलकर विकसित किया है MRSAM, चीन से सटे पूर्वी सेक्टर में अब तैनात कर दिया है, जो अब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर एयर डिफेंस सिस्टम का एक ऐसा लेयर बनाएगा जिसे चीनी वायुसेना के अटैक हेलीकॉप्टर तो छोड़ो, कोई पांचवीं पीढ़ी का फाइटर विमान भी पार नहीं कर सकता, जो कि चीन को यह सोचने पर मजबूर कर चुका है कि कहीं भारत के साथ विवाद बढ़ाकर उन्होंने अपने पेड़ों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली। क्योंकि जहां एक तरफ साल 2020 से पहले भारत चीन को अपना सिर्फ एक व्यापारिक प्रतिद्वंदी समझता था, वहीं पर दूसरी तरफ गलवान घाटी में हुई घटना ने सभी भारतीयों के साथ साथ भारतीय सरकार की सोच और पॉलिसी में काफी बड़े बदलाव लाए, जिसके बाद अब भारत को यह बात अच्छे से समझ आ गई कि चीन भारत को सिर्फ आर्थिक स्तर पर नहीं बल्कि सैन्य स्तर पर भी एक प्रतिद्वंदी के तौर पर देखता है और हमें इस तरह से चीन का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में पिछले कुछ महीनों में भारत ने जिस तरह के हथियार और डेवलपमेंट चीन से सटी सीमा के पास करने शुरू किए, उसने चीन समेत पश्चिमी देशों को हैरान कर दिया, क्योंकि यह इस बात को दर्शाता है कि जरूरत पड़ने पर हम अपनी नीतियों में तुरंत बदलाव करते हुए फायदा उठाना चाहते हैं, जो किसी भी देश के खिलाफ युद्ध या विवाद जीतने का सबसे अहम कदम है। वहीं पर अगर हम बात करें MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम की, तो इसे भारत और इजराइल ने एक साथ मिलकर विकसित किया है। इस मिसाइल का वजन 250 किलोग्राम का है और यह अपने साथ 60 किलोग्राम के वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम है, जिससे कि यह किसी भी तरह के हवाई खतरे जैसे कि क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, हेलीकॉप्टर या यहां तक कि फाइटर जेट को भी तबाह कर सकती है। इसकी मारक क्षमता 0.5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक की है और इसके हमले से दुश्मन का कोई भी एसेट बच नहीं सकता, जिस वजह से इसे पूर्वी सेक्टर पर तैनात करना भारत का चीन की तरफ से एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति के मामले में भारत का लोहा दुनिया भर के सभी देश मानते हैं। भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों के अंदर शामिल है जिसके संबंध रूस और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे बने हैं, लेकिन ऐसा करना भारत के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था और भारत को ऐसे में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अपनी जबरदस्त कूटनीति की वजह से भारत दोनों ही देशों के साथ अपने संबंध संतुलित करने में कामयाब रहा। हालांकि भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती तब रही जब रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त हमला किया था और यूक्रेन युद्ध की शुरुआत की थी, जिसके बाद सभी यूरोपीय देश एकजुट होकर रूस के खिलाफ आवाज उठाने लगे और साथ ही इन्हें अमेरिका जैसे बड़े देश का समर्थन भी हासिल था,
जिसकी वजह से रूस पर काफी आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। और यूक्रेन का साथ देते हुए इन सभी बड़े देशों ने यूक्रेन को बड़े बड़े हथियार सप्लाई किए, जिनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ युद्ध में किया गया। ऐसे में जहां जमीनी स्तर पर यूक्रेन को करोड़ों डॉलर के हथियार लगातार सप्लाई किए जा रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ यूरोपीय देश और अमेरिका यूक्रेन युद्ध को बार बार हाईलाइट करते हुए मीडिया द्वारा इसे बढ़ावा देने का काम कर रहे थे, ताकि दुनिया भर तक ये बात पहुंचे कि रूस ने कैसे कमजोर देश यूक्रेन पर हमला किया, जिसकी वजह से कई मिलियन डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो गया और हजारों सैनिकों की जानें चली गई। साथ ही रूस पर भी और ज्यादा दबाव बनाने के लिए यूक्रेन को समर्थन देने वाले सभी देशों के साथ मिलकर यूक्रेन युद्ध के नाम का इस्तेमाल है सरकारी दस्तावेज और मीडिया डॉक्यूमेंट में काम करना शुरू कर दिया, ताकि रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले को एक युद्ध के तौर पर प्रचलित किया जा सके, जिस वजह से रूसी लोगों के दिमाग पर असर पड़े और वे ये सोचने लगे कि उनका देश ऐसा काम कर रहा है जो एथिकल तौर पर बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसका फायदा उठाकर यूरोपीय देश रूस के लोगों का जोश कम कर पाएंगे, लेकिन भारत नहीं चाहता कि इन सभी कामों के लिए भारत द्वारा किसी भी मंच का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि G20। ऐसे में क्या है पूरी खबर, अब आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि इस साल G20 फाइनेंस मिनिस्टर की पहली बैठक 24 और 25 फरवरी को बेंगलुरु में हुई थी, जिससे ठीक पहले हो रही एक ग्रुप नेगोशिएशन के दौरान भारत ने सभी देशों को मनाने की कोशिश की कि वे यूक्रेन युद्ध को युद्ध के बजाय आपदा कहकर बुलाए, ताकि रूसी डेलीगेशन को इस दौरान कोई परेशानी ना हो। हालांकि भारत अपनी कोशिशों में सफल नहीं हो पाए, लेकिन जब भी यह बात समझ में आती कि कैसे भारत यूक्रेन युद्ध को एक युद्ध कहने में हिचकिचा रहा है और भारत युद्ध की बजाय रूस द्वारा यूक्रेन में हो रहे आक्रमण एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन या फिर आपदा के तौर पर देखना ज्यादा पसंद करता है, जिससे भारत के हितों और रूस के साथ भारत के संबंधों को कोई नुकसान ना हो और भारत रूस के साथ अपनी ऊर्जा संबंधों को विकसित कर सके, जो मौजूदा समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में काफी महत्वपूर्ण कड़ी है। वहीं पर यह देखना अपने आप में काफी बड़ी बात है, इससे भारत सभी यूरोपीय देश और अमेरिका के खिलाफ जाकर रूस के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लगातार डेवलप कर रहा है। इसके बावजूद भी यूक्रेन युद्ध को एक साल पूरा हो गया है और हाल ही में भारत में फाइनेंस मिनिस्टर की G20 की पहली बैठक भी हुई है, जो कि कोइंसिडेंटली रूस यूक्रेन युद्ध के एक साल पूरा होने के समय पर ही हुई, क्योंकि 24 फरवरी को ही रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी और G20 की मीटिंग 24 और 25 फरवरी दो दिन तक चली, भारत में चली। लेकिन इस मीटिंग से पहले भारत ने जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध को एक अलग रूप देना चाहा, वे भारत रूस के साथ गहरी मित्रता और अच्छे संबंधों को दर्शाता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।